हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडीएफ गुरु एकेडमी। पीडीएफ गुरु एकेडमी के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल वैकेंसी 2019 के बारे में बताएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल में आई है बम्पर वैकेंसी पर्सनल ऑफिसर का, और इस फॉर्म को ग्रेजुएट जितने भी छात्र हैं भर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रेजुएट छात्रों के पास एक अधिकारी बनने का बेहतरीन मौका है। देखें इसमें डिटेल और करें आवेदन। कब से आवेदन शुरू होगा, क्या है क्वालिफिकेशन, कब है लास्ट डेट, कितनी फ़ी है, क्या है सिलेबस, इन सबका डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पीडीएफ गुरु एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस तरह का मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पर्सनल ऑफिसर का जो फॉर्म है कब से स्टार्ट हो रहा है और कब लास्ट डेट है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SLDC परिषद, निकट मंत्री आवास, विभूति खंड, फेज 2, गोमती नगर, लखनऊ 22-8-10। इसमें पूरा पोस्ट का नाम दे रखा है। यह विज्ञापन संख्या था 05/2019। PO मतलब पर्सनल ऑफिसर। तो इसमें जो पद हैं टोटल अनरिजर्व के 10 हैं, EWS के 1 हैं और अन्य पिछड़ा यानी OBC के 3 हैं और अनुसूचित जाति के 1 हैं और अनुसूचित जनजाति के कोई भी यहाँ पे सीट नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इसमें लिखा है उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटने और बढ़ने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। नेशनलिटी के बारे में दे रखा है कि आप भारत का नागरिक हो और तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो। तो ये सब यहाँ पे दे रखा है। तो आयु कितनी है, आयु आपकी होनी चाहिए मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। और आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। सेवा योजन के लिए अभ्यर्थी को निम्न अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दूसरी बात, विश्वविद्यालय या विद्यालय के प्राक्टर या प्रधान शैक्षिक अधिकारी जैसा भी हो जहां से उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के आपको सबमिट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसका वेतन कितना है। वेतन की अगर बात करें तो यहां पे लेवल 10 वेतन मिलेगा 56,100 से शुरू होकर 1,77,500 तक आपको यहाँ पे वेतन मिलेगा। और अन्य भत्ते जो उत्तर प्रदेश सरकार देती है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जो देती है, नियमानुसार क्या होगा, लागू होगा। अब बात करते हैं क्या है शैक्षिक अर्हताएं। तो इसमें देखते हैं क्या है क्वालिफिकेशन आपकी। तो क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। मानव संसाधन एवं क्रमिक प्रबंधन, मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध के साथ 2 वर्षीय पूर्वकालिक स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर प्रोग्राम होना चाहिए। उसके बाद घ में क्या दे रखा है, श्रम औद्योगिक संबंध व श्रम कल्याण इत्यादि के मामले में किसी भी विद्युत परिषद, विद्युत उपक्रम या किसी बड़े औद्योगिक संस्थान में कम से कम 1 वर्ष का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। यानी इसमें वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो। उसके बाद यहाँ पे आयु में छूट दे रखा है कि किसको कितना छूट मिल सकता है। तो OBC को जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, नॉन क्रीमी लेयर है, अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको अधिकतम आयु को जो छूट दी जाएगी वो 5 वर्ष तक दी जाएगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका पेपर का पैटर्न क्या है। तो यह पेपर 3 घंटे का होगा जिसमें 200 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये 200 अंक का जो लिखित परीक्षा होगा उसके बाद 25 अंक का साक्षात्कार होगा, यानी टोटल आपका 225 मार्क्स का ये पेपर है। आवेदन कैसे करना है, आपको UPPCL के वेबसाइट पर जाना है, www.upppcl.org को खोलना है और जो अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और लिंक आपका ओपन हो जाएगा और फॉर्म भरना आप शुरू कर देंगे। जैसे ही फॉर्म भरेंगे आपके पास SMS आएगा, उस SMS में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड है वहाँ पे लिखा रहेगा और आपके ईमेल ID पे भी मैसेज जाएगा जो आप वहाँ पे रजिस्टर किए रहे होंगे।
बात करते हैं कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 700 रुपया देना है, और उत्तर प्रदेश के जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के श्रेणी में आते हैं या अन्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनको 1,000 रुपये देकर ये फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, तो ऑनलाइन आवेदन ये 23/10/2019 से 14/11/2019 तक होगा, यानी स्टार्टिंग डेट आपका 23 है और लास्ट डेट क्या आपका 14 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथियां हैं वो हैं 23/10/2019 से 14/10/2019 तक है, और ये आप जो पेमेंट कर सकते हैं वो चालान द्वारा भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और परीक्षा की जो संभावित तिथि है जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगी। तो ये था डिटेल हमारा UPPCL के बारे में, और एक चीज़ और बता देता हूँ, और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है यहाँ पे दे रखा है कि इस जो भी आपके मार्क्स मिलेंगे जो रॉ मार्क्स आएगा उसके बाद नॉर्मलाइज होके आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था हमारा UPPCL जो पर्सनल ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल्स हमने आपको बता दिया। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि क्या क्या और इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स दे रखा है। बस हमको आपको सूचित करना था कि आप एक बार जान लें कि पर्सनल ऑफिसर की वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा वीडियो। फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल पर, नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह से नए लेटेस्ट वीडियो जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसकी पूरी डिटेल से हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। जो भी इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी कोई नई सूचना आती है तो हम आपको वीडियो अपलोड के माध्यम से बता देंगे। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।